आईकॉप का शुरुआत हम लोगों ने एनसीएल में किया था 2018 से और आज ये चौथा साल है। एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड बाय एनसीएल एंड इट इज इन कोऑर्डिनेशन विद आईटीबीएचयू व्हिच इज नॉलेज पार्टनर ऑफ दिस आईकॉम्स। इसमें सेमिनार, टेक्निकल सेमिनार्स के साथ साथ एग्जीबिशन भी रखते हैं, जो इसमें कि बहुत से लोग को प्रमोट करते हैं, बहुत से जो OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, OPS होते हैं, OES होते हैं, इन सब का समावेश होता है। और ये नए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आते हैं, बढ़ते हैं, तो हम लोग हमारे जो कोयला के उत्पादन को हम लोग सुरक्षित तरीके से रह करके इसको बढ़ाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा चार्ज किए हुए NCL ने जिस किस्म का यहाँ पे अरेंजमेंट किया है वो काबिले तारीफ है। हम एग्जिबिटर्स को इतनी उन्होंने महत्व दिया, इतनी इम्पोर्टेंस दी, कई सारे हमारे लिए प्रोग्राम उन्होंने किए ताकि हमें उसमें बोलने का मौका मिले। द नंबर ऑफ स्टॉल्स दैट आई कैन सी हियर हैव बीन इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग ईयर। मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स आर रिलेटेड विद माइनिंग इक्विपमेंट्स एंड solutions, but there are some stalls which are dedicated towards economic benefits of the poor and basically the ladies, as well as the social aspect CSR that the company does for the society around, like Kisan Ganga, and then we had the handloom thing, the mushroom oyster cultivation, everything that relates to women empowerment. कोर कंपनीज आर हियर जो माइंस में काम करती हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इवॉल्व करके आई है, लाइक इससे हमें भी एक आइडिया मिलता है। हम बडिंग इंजीनियर्स हैं कंट्री के, हमें और आइडियाज़ मिलते हैं कि हम इस चीज़ों को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। I see a lot of papers which are very relevant to the current technologies. और इस तरह का जो ऑर्गेनाइज किया गया ज्ञान के विस्तार के लिए माइनिंग फील्ड में और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, जो काफ़ी सराहनीय है और निश्चित रूप से इसका लाभ जो है इंडस्ट्री को मिलेगा। दिस ईयर वी हैव 12 इंटरनेशनल पेपर्स ऑल्सो, सो इट इज़ अ इंटरनेशनल टेक्निकल कांग्रेस इन फैक्ट हैपनिंग इन सिंगरौली। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वी शुड ऑल बी कमिटेड टू टेक दिस ड्रीम ऑफ CMD NCL। आईकॉम से हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, और सबसे बड़ा चीज़ है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि नए नए चीज़ स्टार्टअप जो आए हैं, नए नए जो इक्विपमेंट के जो छोटे छोटे पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ये हम लोग को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत हमारा मदद कर रहा है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है।